हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा लो बन हेयर स्टाइल। सेल्फ बना सकते हो, मैं खुद के बालों पे बताऊंगी। अगर आपके बाल थोड़े से मेरे से छोटे भी हैं तो भी आप बना सकते हो, एंड लंबे हैं तो भी बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लो। मेकअप ट्यूटोरियल एंड ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सेकंड चैनल पर जरूर जाओ। सेकंड चैनल का नाम है प्रीत तिवारी 2, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए न्यूट्रीग्लो शैम्पू एंड कंडीशनर कैसे यूज करना है, एंड आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो शैम्पू करने में आप क्या मिस्टेक करते हो, उसकी वीडियो जा चुकी है, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बालों को ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी है इस तरीके से। वन सेकेंड, दोनों साइड से आपको बालों को इस तरीके से पार्टीशन कर लेनी है। काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल है, आप साड़ी पे ट्राई कर सकते हो, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा ये वाला हेयर स्टाइल। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिप लगा दे रही हूँ ताकि मुझे हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना हो। अब बाकी सारे बालों को अच्छे से फॉर्म करना है, एंड एक रबर बैंड लगा लेना है बैक साइड में। लो बन है तो लो में ही लगाइएगा। अच्छे से कॉम कर लिया है, एंड एक रबर बैंड लेंगे और अच्छे से लो बन बनाएंगे। अब इसके लिए हेयर स्टाइल के लिए आपको चाहिए एक डोनट बन। डोनट बन नहीं है तो आप इस तरीके की स्टफ़ी भी ले सकते हो। तो मैं स्टफ़ी ले रही हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग में थोड़ा सा अपना जो बन है वो बनाना है। और हाँ, एक चीज़ और, आपको अपने बालों को किस तरीके से बनाना है वो ध्यान से देखिएगा। आपके बाल बहुत छोटे भी हैं तो आप हेयर बना पाओ, लंबे हैं तो बन जाएगा विदाउट रबर बैंड लगाए भी, बट छोटे हैं तो हो सकता है कि निकल जाए, तो आप इस तरीके से रबर बैंड लगा लीजिएगा। इधर सभी को लेना है, सारे बालों को अच्छे से सभी के ऊपर से इस तरीके से लपेट के लेके जाएंगे। अब सभी को इस तरीके से राउंड में घुमा लेना है, यू पिन लेना है सभी के साथ, ऐसे स्कैल्प के हेयर के साथ लगा देना है सभी, और स्कैल्प का हेयर लेके दोनों साइड से। ओके, आराम से करिएगा, झूठू भी जल्दीबाजी नहीं करते हेयर स्टाइल बनाते। अब धीरे धीरे अपने सारे बालों को उससे फैलाना है, मैं सभी के हेयर सभी को अच्छे से हाइड कर देना। ओके, तो भी क्लियर दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगेन आपको यू पिन लेना है एंड लगा देना है हेयर स्कैल्प का हेयर, और ये बनता हेयर लेके साथ में टच करते हैं। ओके, अभी अच्छे से होल्ड हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है अभी से। अब इस साइड के हेयर को ओपन कर लेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे। कॉम करके इस तरीके से बन के ऊपर से लेके जाएंगे एंड नीचे से लेके आएंगे, और ये जो हेयर है एक्स्ट्रा हेयर उसको उसके नीचे से इस तरीके से हाइड करते हुए अच्छे से कवर कर लेना है, और यू पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी कर लेना है, ऊपर से लेके जाएंगे दूसरी तरफ लेके आएंगे, जब यहीं पर सारे हेयर को अच्छे से एडजस्ट करते हुए यूपी या बॉबी क्लिप की मदद से इसको सेट कर देंगे।
तो ये हमारा बन बन के रेडी हो चुका है। रबर बैंड ध्यान दीजिएगा कि हाइट हो जाए अच्छे से। तो ये है लो बन हेयर स्टाइल जो कि आप साड़ी पे बना सकते हो एंड कहीं भी जा रहे हो पार्टी वगैरह है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के आप बोलते डेकोरेटिव यूज वगैरह यूज़ कर सकते हो। फ्लावर वाले थोड़ा सा क्राउनी लेके गैस को खींचूंगी जिससे कि जो वॉल्यूम हमारा कम दिख रहा है वो अच्छे से मैनेज हो जाए। तो आपको कैसा लगा ये हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो एंड सेल्फ है तो कोई भी बना सकता है। तो एक बार और मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस वाले हेयर स्टाइल में आपको बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक भी नहीं मिलता है, बहुत अच्छा सा आपको लुक मिल जाता है पार्टी वगैरह के लिए एंड साड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। तो कैसे लगी आप लोग को आज की हेयर स्टाइल? आई होप की पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल की वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो साड़ी पहन दो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। इस तरीके की बालियाँ भी ट्राई कीजिएगा साड़ी के साथ, काफ़ी अच्छी लगेगी। लेस निकालना है तो आप लेस भी निकाल सकते हो। स्ट्रेट हेयर है तो लेस जरूर निकालिएगा एंड सेंटर पार्टीशन कीजिएगा, मस्त लगोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।